global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. के दौरान पुलिस डॉक्टर बीएमसी व मीडिया जगत के लोग अपने कर्तव्य पर डटे हैं। ऐसे में अनोखी जन सेवा करने की ठान कर सर्वेस्ट की प्रसिद्ध दुकान नागरिक स्वीट के नगीते नवीन देड़िया ने भी नागरिकों के लिए विशेष सेवा देने के लिए अनोखी पहल की है। अन्य स्वीट्स के लिए प्रसिद्ध अपनी दुकान नागरिक स्वीट्स को अलग अंदाज में कन्वर्ट कर दिया है और नागरिकों के स्वास्थ्य व स्वाद के लिए आवश्यक सभी सामान 20-40% तक देकर अनोखी जन सेवा कर रहे हैं। नागरिक स्वीट्स ने अपने सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाएं, सैनिटाइजर, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले हाईएस्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स आपके रसोई घर को मिनी अस्पताल की तरह तब्दील कर आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखने वाले हर प्रकार के उच्च दर्जे के सामान व मसाले, उच्च क्वालिटी के सारी ग्रोसरीज तथा स्वादिष्ट मिठाइयों को समाज सेवा की भावना से होलसेल रेट में कुल 20-40% तक की छूट के साथ जनता को यहाँ से मुहैया करा रहे हैं। के अनुसार हर व्यापारी ने अच्छे दौर में जनता से कुछ न कुछ कमाया ही है। अब ऐसे संकट के दौर में हर व्यापारी की जिम्मेदारी बनती है कि परेशान जनता की जेब पर बोझ न पड़ने दे। हर व्यापारी जनता का इस समय साथ दे। दहिसर के नागरिक स्वीट्स व सहयोगी अजीत स्वीट्स की इस कोशिश को फॉलो करते हुए अब अन्य व्यापारी भी आगे आए हैं। वे 4-6 महीने तक संकट के इस दौर में जनता को अत्यंत कम से कम कीमत में सभी प्रकार की ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट, मसाले, आयुर्वेदिक दवाएं तथा मिठाइयां आदि उपलब्ध कराकर हर व्यापारी इंसानियत की मिसाल बन रहे हैं। आइए इस खास खबर और इस पहल को देखते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट। एक्चुअली ऐसा है कि मेरे पिताजी के बुरखों में अरे पिताजी के टाइम से हम लोग दहिसर में हैं। तो दहिसर मुझे नहीं लगता कि मेरे गांव से भी मेरा गांव ही है एक, तो मेरी ऐसी नॉर्मली स्वीट्स की दुकान थी। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है तो छोटे से लेकर बड़े तक मैंने हर एक को हेल्थ और वेल्थ दोनों में प्रॉब्लम है। तो हेल्थ का भी ख्याल रखना है और वेल्थ का भी ख्याल रखना है। उस हिसाब से मैंने क्या किया है कि मेरी स्वीट्स को कन्वर्ट कर दिया है, पूरा मसाला, आयुर्वेदिक्स, ग्रोसरी, जो भी रेगुलर हमें अभी जो ज़रूरत है, जो एसेंशियल आइटम है, वो स्टार्ट किया है और होलसेल में मंगाने का चालू किया है। और होलसेल में ही कस्टमर को मैं पास ऑन कर रहा हूँ, जिससे उनको 20-30% या जो भी मैक्सिमम हो सकता है बेनिफिट पास ऑन करूँ, उनको वेल्थ में भी फ़ायदा हो और हेल्थ में भी फ़ायदा हो। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि यही चीज़ अगर सब व्यापारी भी करना चालू करें तो अभी जो कोरोना महामारी में हम सभी लोगों को तकलीफ है, तो सबको अभी पूरी ज़िंदगी हम लोग ने धंधा किया है, बिजनेस किया है, 2 पैसा कस्टमर से ही कमाया है, तो अभी हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उस कस्टमर को
कैसे भी करके संभाले और उनको हेल्थ और वेल्थ जहाँ से भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो तो देवे। जैसे कि अभी बीएमसी है अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, पुलिस डिपार्टमेंट दे रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी वाइफ्स है, मदर है, सब अपनी पूरी ड्यूटी उधर निकाल रहे हैं। तो हम लोग, हमारी ड्यूटी क्या है, तो हम कस्टमर को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पैदा हुआ और मेरा ये देश है या मेरे यहाँ नागरिक है, तो नागरिक स्टोर नागरिक के लिए खड़ा है बस। आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन लोगों की ये भी होता है कि होलसेल है या 50% जो भी आप लोगों को दिया जा रहा है, तो लोगों को क्वालिटी भी चाहिए होगी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी की बात कीजिए, क्वालिटी कितनी परफेक्ट तरीके से आप यहाँ पर देखकर जांच कर रखी गई है। मैक्सिमम मैं जो क्वालिटी देता हूँ वो मैक्सिमम जितना भी बढ़िया रहता है ना, 24 कैरेट ही आप समझ लो कि उस तरह से रखता हूँ। और ग्रोसरी और ये पूरा वासी से मैं लेके आता हूँ और पूरी गारंटी देता हूँ, यानी हर एक रुपये की कस्टमर को मैं मेरे यहाँ से गारंटी देती हूँ कि आप मेरे से जो भी सामान खरीदेंगे, आपको जरा सा भी 19-20 हुआ ना, तो आप आके तुरंत मुझे रिप्लेस कर सकते हैं या बता सकते हैं। और स्वीट्स हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, स्वीट्स तो हमारी अजीत स्वीट्स करके है जो भिवंडी में हमारी फैक्ट्री है, तो हमारी टोटल 200 दुकानों में जाता है। तो वो भी विदाउट मिलावट, यानी कोई भी चीज़ की हम लोग गलत चीज़ मिलावट नहीं करते, इसके अंदर कलर भी डालते हैं ना, तो FSSAI स्टैंडर्ड के मुताबिक डालते हैं। कोई भी दूध की मिठाई है तो कोई भी रेडीमेड मवासी नहीं बनती है, तो यानी पहले से ही हमारे पास कस्टमर आते हैं तो ट्रस्ट करते हैं और कस्टमर ही मेरे लिए भगवान है, तो मैं उसी तरह से ट्रीट करता हूँ। जितनी भी मेरी क्वालिटी के लिए तो मैं फुल गारंटी दे सकता हूँ। ये बहुत ही हित में है जनता की, कि मैं गीतन भाई से पहले से ही जानता है, इधर हम लोग का मातृवाड़ी रेसिडेंट्स एसोसिएशन है और हम लोग रेगुलर इसका कस्टमर है, लेकिन ये कस्टमर है, लेकिन हम लोग इधर आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्वालिटी और उसका जो लोगों के साथ जो व्यवहार है वो बहुत बहुत ही अच्छा है, वो क्वालिटी वाला रखता है। और वेल का भी अभी जो कोरोना में सबके ऊपर जो जो परिस्थिति आ गई है उसको देखते हुए जितेन भाई ने बहुत ही अच्छा किया है और उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, और उसने कम से कम 20-30% तो लोगों को राहत मिली है वो रेट से। और दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि उसने खाली जनता का ही नहीं ध्यान रखा है इधर परिसर का, उसने उसका जो अंदर जो नौकर जो काम करते हैं उसका भी बहुत ध्यान दिया है उसने, और मैंने खुद देखा है कि कैसे तरीके से उसका वो ध्यान देते हैं। वो अपना रोज़ पानी में हल्दी सुंठा हो गए डाल के गर्म पानी लेके उसका इधर थर्मस रेडी रहता है, वो थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद वो अपना नौकर को देता है। सब लोग एकदम बहुत बढ़िया तरफ से काम कर रहे हैं और हम लोग इतना टेंशन फ्री है कि हम लोग ने अपना नागरिक का खाना खाया तो सब कुछ हम लोग बर्बाद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितने समय से नागरिक स्वीट को जा रहे हैं और नागरिक स्वीट के द्वारा जो लॉकडाउन कोरोना महामारी के बीच जो उन्होंने पहल की है, जो उनकी एक सोच है, उसे आप किस प्रकार देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देखें, और जो भी सुना ही है कि अच्छे उन्होंने जो बात की है वो सभी हमारे अच्छे के लिए होगी। और जो उन्होंने बोला दहसर में तो सच्ची हो बहुत सालों से, मतलब 62 से उनका दुकान यहाँ है, हम लोग उनको सबको पहचानते हैं। और इसके पहले भी, मतलब कोरोना के पहले भी हम लोग उनके पास से सभी सामान लेते थे, वो भी बहुत प्योर होता था और उनका व्यवहार तो सभी सच्ची, मतलब वो जब भी बोलते कि हमारे हम सब अपने हैं वही हिसाब से वो सबको ट्रीट करते हैं। अभी उन्होंने जो सोचा है वो भी बात हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से, मतलब हमारे दहसर की वेस्ट के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा कि उन्होंने वेल्थ का भी इशू मतलब ध्यान में रखा है कि वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो इसलिए उन्होंने होलसेल में देने का सोचा है, तो वो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग सब लोग वही हिसाब से उनके पास आएंगे कि कुछ अच्छा मिलेगा और अच्छी तरीके से मिलेगा, और हम लोग को रिप्लेस मतलब ऐसा कुछ शिकायत का मौका मेरे को लगता है कि ऐसा आएगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होएगा, क्योंकि नागरिक हैं और वो नागरिक के लिए ही काम करते हैं हमेशा और करते रहेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है, हम लोग उनके साथ में ही है। जनता की नहीं होगा या फिर और भी जगहों से लोग यहाँ पर आ सकते हैं? नहीं, हमारे पास विरार से आते हैं कस्टमर, अंधेरी से आते हैं, सांताक्रूज से आते हैं, बांद्रा से आते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे पास कस्टमर आते हैं और अपना पूरा महीने का, हफ्ते भर का, 15 दिन का नाश्ता खाना जो सब लेके जाते हैं। तो आपने एक अच्छी पहल की है, क्या लगता है आपके इस पहल में और भी लोगों को आपके साथ जुड़कर और भी ऐसी तरह की लोगों के लिए जरूरत है, ऐसे ही लोगों को और भी आगे आना चाहिए? हाँ, मेरी हर दुकानदारों से, हर बिजनेसमैन से, हर व्यापारी से दरखास्त है
कि हर व्यापारी इसी तरह की पहल करके कम से कम 6 महीना 12 महीना एक हर एक दूसरे को संभाल लेवे, अपने कस्टमर को संभाल लेवे, उनकी तकलीफ संभाल लेवे और हम वहाँ से अपना इन्वॉल्वमेंट थोड़ा जो सरकार को दे सकते, जैसे सैनिक अपने बेचारे चाइना वॉर के लिए लड़ रहे हैं, उधर जान दे रहे हैं, तो हम लोग हमारे व्यापारी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम हमारे कस्टमर के लिए खड़े रह सकते हैं, हम उनके दुख दर्द में सहभागी हो सकते हैं। थैंक यू। एक डर है कोरोना को लेकर, लोग बाहर निकलते हुए भी लोग डरते हैं संक्रमण को लेकर, उस पर आपने कितना ध्यान दिया? अगर जो ग्राहक आएंगे वो किस प्रकार से अंदर जाएंगे, अगर लोगों की ज़्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी होती तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं? हमने हमारे दुकान के अंदर यानी कम से कम 7-8 कस्टमर होते हैं तो हम बाहर रुका देते हैं, और हमने अपने सैनिटाइजर स्टैंड लगा के रखा है, और सैनिटाइजर का वो टेम्परेचर चेक करने वाला मशीन रखा है, हम हमारे हर एक स्टाफ को भी ग्लोव दिया हुआ है, मास्क दिया हुआ है, तो पूरी तरह से यानी उनका भी और हमारे कस्टमर का भी, दोनों का, हम अपना भी खुद का और कस्टमर का दोनों का मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना ध्यान रखते हैं। तो नागरिक स्वीट में जिस प्रकार से पहले लोगों को स्वीट मिल पाती थी, लेकिन अब क्या कुछ मिल पाएगा अगर वो यहाँ नागरिक स्वीट में अगर एंट्री करते हैं अंदर? अभी नागरिक स्वीट में पहले सीट्स मिलती थी, सही बात है, लेकिन अभी हमने पूरा ग्रोसरी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है, पूरा आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है, पूरा मसाला डिपार्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जो यानी खड़ा मसाला है, पाउडर मसाला है, आयुर्वेदिक पाउडर है, टोटल यानी पूरी ग्रोसरी यानी पूरा रेंज एक खाने पीने का जो भी है, जो अभी एसेंशियल में आ जाता है या जो अभी ज़रूरत है लोगों को, वो ही हमने देने का स्टार्ट किया है। तो जनता से मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।